तो जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हो? सबकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो रही होगी, आई होप। तो साथियों, हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन बैच के जो हमने आपको बताया था, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि जो हमने 399 के जो कोर्स थी, हमने आपके लिए 199 में किया था। और क्लास के बारे में भी जाना था साथियों, उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देंगे। तो बच्चे के क्वेश्चन थे माइंड में कि सर, हम इस क्लास को जब ज्वाइन करते हैं, सर मैं क्लास को अगर ज्वाइन करता हूँ, मुझे इस क्लास में, इस सेशन में मुझे सीखने के लिए क्या क्या मिलेगा, आप क्या क्या पढ़ाइएगा इंग्लिश ग्रामर में? जो इंग्लिश ग्रामर का हमारा सेक्शन होगा सर, उसमें आप क्या क्या पढ़ाइए? देखो, इन्हीं सब के सवालों के लिए, मैं जवाबों को मध्य रचन रखते हुए आपके लिए सिलेबस बनाया गया है, जिसमें तो जीरो से हीरो का जो हम लोग ग्रामर सेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, उसमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ये चीज़ें पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारीकी से बने रहना हाँ, और इसको देखते रहना, कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन करना है, सारे जितने भी स्लाइड पे कोर्स लगे, ठीक है। ऑफर चल रहा है, ऑफर का फ़ायदा उठा लो, ठीक है। ऑफर का फ़ायदा आप सभी को उठाना है, पहली बात, ठीक है। वो करना क्या है, पहली बात हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक इंग्लिश कंसेप्ट पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाएंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट। साथियों, आपको मन में आ रहा होगा सर, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाएगा सर? बेसिक कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया जाएगा कि आप किसी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पाए, यानी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो कैसे पहचानेंगे, ठीक है। पहली बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट की, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानेंगे, और ठीक है, और सेंटेंस की बात टेंस की बात करें, ठीक है। जो पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो चलेगा इंग्लिश ग्रामर के, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें हम बात करेंगे पहले सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, सेंटेंस की, बात समझ गए। और साथ ही साथ ये सब होने के बाद हम आपको इसी में बता देंगे पार्सिंग, यानी कि ये चीज़ अब जो देख रहे हो ना, पार्सिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में आप किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, उसी को पार्सिंग कहते हैं। तो वो चीज़ें जब सब्जेक्ट जान जाओगे, ऑब्जेक्ट जान जाओगे, और सेंटेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, पार्सिंग आसानी से कर लोगे, तब आपकी अच्छे खासे रिस्पॉन्स रहेगी, तब ये पार्सिंग पार्ट आ जाइए। दूसरे हमारे सिलेबस में क्या स्टार्ट करेंगे, जब बेसिक चीज़ें जान जाओगे, जब बेसिक आपकी क्राइटेरिया, आपके लेवल एक ग्रो हो जाएगा, तब हम चर्चा करेंगे किस टॉपिक पर, नाउन के बारे में, ठीक है। तब हम चर्चा करेंगे साथियों नाउन के बारे में, बच्चों को दिमाग में आ रहा सर ये नाउन में आप क्या क्या पढ़ाएंगे, सर नाउन में आप क्या क्या पढ़ाएंगे, तो समझ लीजिए, नाउन में आपको साथियों हम पढ़ाएंगे आपको, एक तो इसका टाइप्स, नाउन का डेफिनेशन, फिर जो भी क्राइटेरिया होता है, यानी कि बेसिक टर्म्स की बात, ठीक है। पहली बात इसकी बेसिक टर्म्स की बात करेंगे, फिर इसमें हम नाउन में क्या पढ़ेंगे, नाउन का टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे साथियों, नाउन का टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी में नाउन का प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन जो भी होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो सिक्स ट्वेल्थ क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग, यानी कि जो वेरियस टाइम जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे साथ क्वेश्चन, यानी कि टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो सीरीज का टेस्ट, तो ये सिंपल सिंपल बातें समझना, समझते चलना है। तीसरी टॉपिक हम लोग का आता है साथियों, आपको इसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोगों का ये आता है, जब आप हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, तीसरा हम लोग का बात आता है साथियों आपका प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन नहीं, इसके पहले हम लोग आर्टिकल पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो भी कोर्स है साथियों, आप सभी इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है, और इस कोर्स को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना है, पहले समझो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे साथियों, आर्टिकल। ये आर्टिकल भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका रोल भूमिका अदा करता है, समझ रहे हो ना, ये बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम में, जैसे आप एसएससी, सीजीएल, एसटीएनओ, ये सभी एग्ज़ाम में इससे आते हैं, ठीक है। इसके कोई लेवल अप नहीं होता, बस थोड़ी सी इन्हांस करो, नहीं यहाँ पर ट्वेल्थ लेवल तक आपके जो भी कुछ कंसेप्ट होंगे वो सारी चीज़ करा दूँगा, ठीक है। देखो आर्टिकल में हम तो पहले इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, आर्टिकल पढ़ते क्यों वो सारी चीज़ें समझेंगे, फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे,
रहेंगे साथ में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को कई बार डेफिनेट और इनडेफिनेट नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा क्यों आपको बिल्कुल डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, उसी को तो बोलते हैं टाइप्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, जल्दी से हम लोगों का ये जो सिलेबस का क्राइटेरिया जो हम लोगों का वो थोड़ा जल्दी से हो जाए। आ जाइए फोर्थ नंबर में, हम पढ़ेंगे साथियों प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोनाउन के, हम इस पर में क्या क्या पढ़ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स में जितनी बार क्वेश्चंस आए इसके सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। आ जाइए फिफ्थ नंबर में हम लोग साथियों करेंगे, पाँचवें नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का, जो करेंगे हम नाउन कर लिए, आर्टिकल कर लिए, प्रोनाउन कर लिए, इसके बाद हम लोग करेंगे एडजेक्टिव। देखो बहुत सारे बच्चे इसे एडजेक्टिव बोलता है, एड डी को नहीं बोलना, डी को म्यूट करना है, एडजेक्टिव क्या बोलोगे साथियों, एडजेक्टिव। तो पांचवा हमारा चैप्टर रहेगा एडजेक्टिव। कोई भी आपका लगे कोई चैप्टर छूट गया तो मुझे आप बिल्कुल निश्चित मतलब बिना समझा कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ मेरे नज़र में नहीं आया हो। पाँचवा एडजेक्टिव पढ़ेंगे, छठा नंबर में हम डिस्कस कर लेंगे साथियों आपका नाउन हो गया, आपका पर नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, फिर हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। देखो साथियों वर्ब में ही आपके पता है ना टेंस भी आ जाता है क्योंकि वर्ब का ही तो खेल है टेंस, और वर्ब में ही नरेशन भी आ जाता है वॉइस पर, लेकिन हम अलग अलग चाहते हैं। वन नंबर में पढ़ेंगे हम लोग वर्ब के बाद हाँ क्या पढ़ेंगे बताओ, पोजीशन। ठीक है, आठवें नंबर पढ़ेंगे साथ सारे टॉपिक को नोट करना कॉपी में, क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलने वाला है और क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, आठवें नंबर में एडवर्ब पढ़ेंगे, सारे सिलेबस आपको कवर कराएंगे साथियों, समझ रहे हो ना। 199 में सिर्फ बुक आता है, नहीं पता है तो किसी भी एक टीचर का बुक खरीद के देख लेना, फिर भी आप नहीं समझ पा कि आपकी एक गाइडेंस की जरूरत है। सारी चीज़ बहुत समझ रहे हो ना, बहुत एक अच्छी आपके लिए। एडवर्ब के बाद हम लोग पढ़ लेंगे साथ कंजंक्शन, हमारे यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्राइटेरिया होता है वो हमारे यहाँ से समाप्त हो जाती है। ठीक है, दस नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे टेंस, ग्यारहवें नंबर में पढ़ लेंगे हम लोग वॉइस, और बारहवें नंबर में पढ़ लेंगे नरेशन। ठीक है, लेकिन यही पे काम नहीं खत्म होता है, ये तो चीज़ें हम सब कहीं पढ़ते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही पे काम खत्म नहीं होता, यही चीज़ें पढ़ने से आपको काम नहीं चलेंगे, इसके अलावा भी काम करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए देखिए, आपको आना चाहिए साथियों के अलावा और इंक्लूड है हमारे इसमें पर्सन आपको आना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस को बना, पर्सन आना चाहिए, आपको जेंडर आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए जेंडर के बाद बताओ, जेंडर के बाद आपको क्या आना चाहिए साथियों, नंबर आना चाहिए, तब और बताओ आपको साथियों केस आना चाहिए, और बताओ, और बताओ क्या क्या आना चाहिए आपको साथियों, ना बताइए और क्या क्या आना चाहिए आपको, बताओ टॉपिक छूट रहा तो बता दो। हाँ सिंटेक्स, बच्चे कहते हैं सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे भी ये बोलते हैं, ये भी आपके इंक्लूडेड होते हैं, और बताओ क्या क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो साथियों ताकि आपको मैं समझ सकूँ। क्या क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ लेंगे इसी में हम लोग, और क्या छूट रहा है, कोई टॉपिक छूट रहा है तो बता दो बताओ साथियों। हाँ अब देखो इसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और देखो 18 हो गया ना, 19 नंबर हम लोग कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वाई क्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 19 नंबर में और क्या क्या कर सकते हैं साथियों बता दो, बताओ सेंटेंस तो करेंगे ही, हाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, डिग्री ये टॉपिक हमारे 20 रहेगा। ठीक है, 20 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, कोई भी और टॉपिक लगता है छूट गया तो बता दीजिएगा, और मैंने बताया था इसके अलावा भी मैं और क्या क्या आपको दूंगा इस कोर्स में, मैंने बताया था इसके अलावा मैं दूंगा ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड जूनियर का क्या होगा साथियों, ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर से, मैंने ये बोला था कि ऑक्सफोर्ड का जूनियर, ठीक है समझते हो ना, जूनियर होगा और ये वाला बुक का भी सोल्यूशन दिया जाएगा, तो ये वाला भी मिल जाएंगे आपको साथियों। ये थी हमारी क्राइटेरिया, कुछ ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में मिलेगा आपको। और साथियों मैं एक चीज़ बता दूँ ना कि आप, मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है कोर्स को देखिए। देखिए हमारी सर की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। कक्षा एक से आठ तक आपके जो कोर्सेज हैं ना, 50% ऑफ चल रहे हैं, ठीक है। जो आपको पहले के किफ़ायती दामों 549 यानी कि 549 रुपये का जो कोर्स थे, अब मात्र 274 रुपये में, तो ऑफ़र के पता है ना साथियों, बिल्कुल फ़ायदा उठाओ। एक भी ऐसा बच्चे नहीं होने चाहिए जो इस ऑफ़र का फ़ायदा ना उठाए। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ इसके फ़ायदा उठाए, ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता, ठीक है समझ रहे हैं ना, ये मौका दोबारा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारा कह रहा कि कंप्लीट बेसिक मैथ्स मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट बेसिक समझते हैं एकदम जीरो से हीरो सीख जाओगे, लेकिन इसकी शर्तें है, फिर गारंटी भी दिया जाता है, लेकिन शर्त ये है कि आप इस चीज़ों को नोट्स बनाओगे, हर चीज़ों को बारीकी से समझोगे, वीडियो को एकदम कंटिन्यू देखोगे, हम लोग चेक करेंगे आपकी कि क्या पढ़े क्या नहीं, तब जाके आप किसके सीखने की हम लोग गारंटी लेते हैं। और ये ऑफर जो कोर्स थी हम लोग को 999 पहले चलती थी, 699 में देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने टीम ने डिसाइड किया, नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, अभी तो पता नहीं सब कुछ का महंगाई का रेट बढ़ चुका है, तो हम लोगों ने सोचा नहीं बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि कोर्स खरीद सके, तो क्यों ना हम एक रिचार्ज जो कराते हैं बच्चे एक महीने के लिए, या कोई सामान खरीदते हैं छोटी सी उसकी फीस में, यानी कि किसी के पिता की एक दिन के मजदूरी के फीस में हम उसकी पूरे जीरो लेवल मैथ सिखा दें। बहुत सारे हम ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उसके लिए हम लोगों ने पूरी एकदम यह तो रहना पूरी एकदम कोर्स एकदम पूरे जीरो लेवल कर दिए, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो हमारी जो कोर्स है इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है ये पहली बैच है, ऑफ़र हमारी चल रही है 2 तारीख से 16 तारीख के बीच में करोगे तो 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। पहली बात कि आपको जो क्लासेस मिलेगी लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी और लाइव भी चलेगी, लाइव डाउट भी किए जाएंगे, वीकली असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको कि क्या क्या पढ़े उसके बारे में आपको वीकली असाइनमेंट किए जाएंगे। इसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है कोर्स में मिलेंगे PDF नोट्स, बहुत सारे बच्चों को डिमांड होता है सर मुझे PDF चाहिए, मुझे PDF फॉर्मेट में पढ़ना है, तो वो भी मिलेंगे। और देखिए कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, ठीक है 3 मंथ्स है, मल्टीपल टाइम देख सकते हो, ठीक है कोई इशू नहीं है। और इसकी प्राइस की बात करें साथियों, तो ये कोर्स आप 3000-4000 रुपये इस कोर्स के देते हो, तो मैंने सोचा था कि सर ने कहा 399 रखे थे, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे ना कि पिताजी ना हाफ दिहाड़ी भी करते होंगे, काम भी नहीं करते होंगे ना, बच्चा डेली का 3-3 रुपये या 5-5 रुपये भी जुगा कर रखेगा ना, एक महीना जो पैसा जुगा कर रखेगा ना उसी से कोर्स खरीद सकता है, यानी कि जो 5 रुपये का बिस्किट खाते हो ना आप, उस पैसे से एक महीने यानी 3 महीने को सोचो, 3 महीने के अगर मल्टी भाग करोगे तो 1 दिन का 2 रुपये भी नहीं हो रहा, 1 रुपये भी नहीं हो पाएगा, 90 दिन यानी कि 90 दुना 180, 1 दिन में आप 2 रुपये दे रहे हो, मुझे बताओ 2 रुपये में कोई आपको 1 घंटा देगा, मुझे बताना 1 दिन का 2 रुपये दे रहे हो साथियों, सोच लो इतना सस्ता चीज़, इतनी किफ़ायती चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकता। और मैं ये सब पता है कैसे देख करके किया, क्योंकि अभी इतनी हमारे देश में सब कुछ की महंगाइयाँ हो चुकी है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम और राजकुमार सर ने डिसाइड किया कि सारी चीज़ों को बहुत कम रुपये में बच्चे तक पहुँचाया जाए, तो एक बार सभी को फिर से एक बार नज़र मार लो इन चीज़ों पर। आपका 160 तक का 274 रुपये है, बिल्कुल जाकर कोर्स ज्वाइन किया, 10 नवंबर तक है जी कोर्स है हमारी, 699 को जो अभी मिल रहा है आपको 349 में, तो इसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, वो नहीं ज्वाइन करते तो ये बिल्कुल ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए इसके बाद मेरा वाला आपका कोर्स है ये वाला जो 50% ऑफ चल रहा है, तो जाके 199 रुपये साथी हो, कोई चीज़ नहीं है, एक बार आप इन्वेस्ट करके देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपके साथ फ्रॉड नहीं किए जाएंगे, ठीक है बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाए जाएंगे, तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी और जाकर ज्वाइन कीजिए। तो बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।